आप ये बता दो, आप ये बता दो कि सुंदरी देवी नाते गई कि नहीं गई? प्लीज बैठिए आप। सुंदरी देवी नाते गई कि नहीं गई? प्रदेश का आप वही हो ना, राजस्थान में बलात्कार इसलिए हो रहे हैं, मर्दों का प्रदेश आप हो वही ना। वीरांगनाओं के प्रदर्शन के साथ अब वीरांगनाओं के चरित्र पर भी विधानसभा में बहस गूंज उठी। लेकिन इसके पहले हम शांति धारीवाल के दो बयान आपको सुनाते हैं, क्योंकि शांति धारीवाल ने किरोड़ीलाल मीणा को आतंकी कहने, वीरांगनाओं के चरित्र पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी ने शांति धारीवाल को घेरा था। साथ ही दिव्या मदेरणा में भी इसका विरोध किया था, लेकिन शांति धारीवाल ने अपने बयान से यू टर्न लिया। पहले आप 13 मार्च को सदन में दिए शांति धारीवाल के बयान को सुने। वीरांगना मंजू देवी के चरित्र पर सवाल उठाए थे और कह दिया था कि मंजू जाट देवर से नाते चल गई है। अब नाते चल के कहती है कि मेरे देवर को दो नौकरी। वाह भाई वाह, अच्छा अजीब तमाशा है। जिसके बाद बीजेपी ने शांति धारीवाल को घेरा था और दिव्या मदेरणा ने भी फटकार लगा दी थी। लेकिन अब हम आपको नया बयान 16 मार्च का सुनाते हैं, जब शांति धारीवाल ने अपने इसी बयान पर सफाई दी और कहा कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। वो भी सुन लीजिए। महोदय YouTube देख लें, यहाँ की जो रिकॉर्डिंग होती है विधानसभा की उसको भी देख लें। प्रोसीडिंग्स में तो बार बार जो है वो डिलीट हो जाता है, लेकिन लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं होती। मैंने मंजू जाट के बारे में एक शब्द नहीं बोला सिवाय इसके कि उसका देवर ऑलरेडी मैरिड है। तो ये तो सत्य है, ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन और मान्य सदस्य बाबा राम जी मैंने कभी नहीं कहा कि साहब मंजू जाट के जाट अपने देवर के नाते चली गई। मैंने कभी नहीं कहा। जिसके लिए कहा वो मैं बता रहा हूँ। मंजू जाट के बाबत मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, सिर्फ ये इतना सा बोला कि ये ऑलरेडी ये इसका देवर जो है, जिसके लिए ये चाहती है कि साहब इसको जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ भी वार्ड विडोज को मिलता है वो उसको मिल जाए, वो उसके बाबत ये बताया था कि साहब इसका देवर तो ऑलरेडी मैरिड है, इसके बच्चे खुद हैं, इसके बच्चे हैं, बच्चों को मिलना चाहिए, गवर्नमेंट का ये था। मैंने सुंदरी देवी के लिए कहा कि वो नाते चली गई थी। सुंदरी देवी ने खुद भास्कर समाचार पत्र को इंटरव्यू दिया है और मुझे ये इंटरव्यू दिया है कि मुझे देवर विक्रम सिंह के नाते गए हुए 3 वर्ष हो गए। खुद इंटरव्यू दिया है सुंदरी देवी ने। मेरी 2 बच्चियां पहले से हैं और विक्रम जो मेरा देवर है जिसके वो नाते चली गई, अब 1 लड़का और 1 लड़की और हो चुके हैं। मैंने मंजू जाट के बारे में कभी कोई बात नहीं कही, इसलिए मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है वो सरासर गलत है, मिथ्या है, अफवाह है, और वो जान करके अफवाह फैलाई गई जाएगी। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वो जो है ये उठाई जा रहा है, और या मुझसे कोई कुंठा है उसके वजह से उठाई जा रही है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो रिकॉर्ड में आ जाए और इनको सबको असली मैंने सबको जो है बता दी गई। वो तो आप बोलो इसको रिकॉर्ड में। महोदय मंत्री जी का एक्सप्लेनेशन सुना, सदन ने मंत्री जी को जब भाई जवाब दे रहे थे वीरांगनाओं के बारे में, आंदोलन के बारे में, जो उस उत्तर को भी सुना। सुंदरी देवी की बात अब मंत्री जी लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ कि हम क्या यहाँ व्यक्तिगत जीवन पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे। मंत्री जी, जब मर्दों का प्रदेश राजस्थान में बलात्कार सबसे ज्यादा हो रहे थे, हमने कहा कि राजस्थान की धरती कलंकित हो रही है। आपने मर्दों का प्रदेश कहा, वही हो ना, राजस्थान में बलात्कार इसलिए हो रहे हैं, मर्दों का प्रदेश आप हो वही ना। इसलिए सभापति महोदय एक्सप्लेनेशन कितना ही दे दे, राजस्थान की वीरांगनाओं का अपमान कर किया मंत्री जी ने, ये सहन नहीं करेंगे आप किसी हालत में। मदन दिलावर, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। श्री मदन दिलावर आप बोलिए, इन्होंने किनसे कुछ नहीं होगा, प्लीज। इन्होंने अपमान किया राजस्थान की वीरांगनाओं का। धन्यवाद। नैतिक रोटियां सेक रहे हो, झूठ बोल रहे हो, यहाँ पर आप असत्य बोल रहे हो, ऑर्डर में लाइए, असत्य बोल रहे हो। आप ये बता दो, आप ये बता दो कि सुंदरी देवी नाते गई कि नहीं गई? प्लीज बैठिए आप। सुंदरी देवी नाते गई कि नहीं गई? अपनी सीट के लिए आप श्री मदन दिलावर बोलिए, शुरू करिए। शांति धारीवाल ने वीरांगना के चरित्र पर सवाल उठाए
और अपने बयान के बाद घिर गए। शांति धारीवाल ने बीते दिनों भले ही अपने बयान से यूटर्न ले लिया हो, लेकिन मंजू जाट अब शांति धारीवाल को चुनौती दे रही है। मंजू जाट ने शांति धारीवाल को तगड़ा लपेट दिया है और क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। धारीवाल हमारे सामने नहीं है, नहीं तो उसको मुंह तोड़ के जवाब हम देंगे, वो तो नहीं देता है। वो तो बूढ़े बुजुर्ग हमारे माँ बाप समान थे। अरे क्या सोच के हमारे से ऐसे बोलते हैं कि नाता चल गई। नाता क्या होता है? उनका जवाब चाहिए मेरे को। क्या प्रूफ है उनके पास बताइए मेरे को? उनके बाण नहीं है, एक माँ नहीं है, उनको भेजे ना नाता कैसे जाती है? हमारे को तो पता ही नहीं है कैसे नाता जाती है, है? और वो बोल दिया कि नाता चल गई। उनका जवाब लेके रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। वो शांति धारीवाल हमारे सामने आके बोलते ना तो आपको पता चलता कि नाते कैसे जाती है। और बाबा के लिए भी बोल रहा है ना कि बाबा आतंगी है। किस बात से आतंगी हुई है? जो गरीबों का, जो ब्राह्मणा का साथ दे रहे थे उनके लिए आतंगी बोल रहे और हमारे से बयान बदलाने के बोल रहे कि उनको बयान बदला दो। जान चल जाएगी और भलाई मर जाएंगे, बयान नहीं बदलेंगे। हमारे साथ जो अत्याचार हुआ था, जो हमारे साथ किडनैप किया था, उसी के बाद में हमारी मारपीट हुई थी, उनका जवाब लेके रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। और जब तक हमारी न्याय नहीं मिलेगी ना, जब तक हम लड़ते रहेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। क्या बयान कि इनका बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, इनसे बयान बदला दो। मैंने मैं छुपके सुन ली, पुलिस प्रशासन से छुपके सुनी कि किस लिए हम कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए हमारे को, हम ऐसे ही रहेंगे, हमारे कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे घर पे डाल दो हमारे को। नजर बंद करके चारों तरफ डूंगर तो उसी के बीच को मेरे कितने पानी तक 60 घंटे तक पानी तक नहीं मिला मेरे को। क्यों, किस बात के कोई मटर? अरे मटर करता है, उनको भी किडनैप नहीं करते हैं, उनको भी न्याय मिलती है, उनको तो गिरफ्तारी से नहीं पकड़ जाता है। हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, दिन में उठाते उठाना था ना उनको, तो दिन में उठाते, रात को क्यों उठाए? हमारे को कोई पता ही नहीं था बच्चा कहाँ है, हमारे में कहाँ है, हमारे घर वाला रो रो के, घर परिवार रो रो के, हमारे बूढ़े बुजुर्ग सास ससुर है आज हॉस्पिटल देख रहा है वो हमारे लिए। क्यों अत्याचार हो रहे शांति धारीवाल पे? तुम्हें इतना भयंकर गुस्सा रहा है कि सामने नहीं है, उनका सिर फोड़ दो मेरे सामने आ जाए तो। और उनको पैकेज दिख रहे, अरे पैकेज नहीं चाहिए मेरे को, इंसान चाहिए। 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ उनके भूख है ना, मैं देऊंगी 5 करोड़ देऊंगी उनको, मेरा इंसान चाहिए मेरे को। ले देगा था मंत्री, कौन सा मंत्री भी इंसान चाहिए। 5 करोड़ पैसे देंगे हम, वो तो 50 लाख का पैकेज दिया था, हम 5 करोड़ देंगे, मेरे को इंसान चाहिए, इंसान लेके दो ना। पैकेज 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 देखा नहीं था? वहां से उठाया, अमृतसर हॉस्पिटल में रखे और वहां से बोला कि बाबा यहाँ आ रहा है, पता नहीं कौन किए उनको। वहां से उठा के मेरे को यहाँ कोटपुतली साइड चालू कर दिया। तो मैं बोल रही मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो? कि आपको जयपुर लेके जा रहे हो मुख्यमंत्री जी से? अरे मेरे को पागल समझ रखा है क्या कि तू तो कोटपुतली रोड पे लेके जा रहे हो? कि आपको क्या पता कोटपुतली? मेरे को, मैं भी डोली हुई हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ कोटपुतली से। कि इनको तो पता है, वहां से घुमाया डूंगर फाड़ू के अंदर, मेरे को पता नहीं कहाँ लेके। ये एक छोटा सा हॉस्पिटल था, छोटा सा फूटा टूटा, उसी के अंदर मेरे को डाल दिया। कोई फोन को आपका फोन दे दो, मैं फोन नहीं दी। यहाँ से उठाए थे तब से मैं मार खा ली नहीं, पीट ली नहीं, पर मैं मेरा फोन नहीं दी उसी टाइम का।